like that. Thank you, sir. Write the best that we have tried. Thank you. Thank you, sir. Excuse me. Thank you. Sure. Ajaz bhai, Amarji, Atish bhai, sab log. May I have Taufeeq bhai on stage, please? My God. So, Taufeeq bhai ke liye kya? You know Barry comes from Ustad Rara Kakha Sahab, Zakir Hussain, Fazal Bhai, and of course Taufeeq Bhai, who's absolutely. So, aise zikr mein ye ek album ka gana jo Taufeeq Bhai ne banaya hai, compose kiya, likha hai, aur fir humne socha ki isko kyun na main dance ke madhyam se kuch karun. Tadha album se. Bilkul. Ek gana kiya tha, Taal Mein Lay Se Chalna, aur mujhe bahut bahut khushi hai. कि संदीप ने उसको एक नया रूप दिया है, एक नया मोड़ दिया है, और मुग्धा जी जिनका बड़ा अहम सपोर्ट रहा है इसमें, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और आप सब लोगों का कि आप लोग आए हैं, हम लोगों को आशीर्वाद देंगे. तो वीडियो देखते हैं. बिल्कुल. मैं उससे पहले चाहूँगा कि हम लोग एक नॉर्मल एक लॉन्च जैसे होता है. रूप भाई, सोनाली जी, प्लीज कम ऑन स्टेज. नीरेश भाई, अजाज भाई, प्लीज कम. मुग्धा, प्लीज कम. प्रवीण भाई, अजीत भाई सर, जरा वीडियो के लिए थोड़ा वापस रिटर्न सर जी, वीडियो के लिए आप वीडियो को कुछ नहीं मिला है. रोल रोल. बस ना. आपका आशीर्वाद सब लोगों का चाहिए. इसके साथ जो एक कोशिश की. I would say एक नंबर एंड रियली ये कुछ अलग है. मतलब म्यूजिक वीडियो तो मैंने बहुत देखे पर ये क्या डांस करता है यार. तू कसम खुदा की मतलब लड़की को भी खा लिया. वेरी नाइस एंड वेरी हार्ड वर्क. यू आर वेरी गुड डांसर टू एंड अमेजिंग. Taufeeq भाई, I like that concept. जब आप दोनों statue बनके हो, very good concept यार, amazing and it's looking like a very fresh song, sir. Congratulations to you and whole team. Thank you. Congratulations, Taufeeq bhai. Brilliant song and Sandeep, kya kehne? Ghazab. What a brilliant concept and I loved watching it again and again. I've watched it before though. लेकिन इट वॉज श्योर प्लेजर और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे कई और वीडियोस हम भी उनके साथ करें. गनमैन शो है पूरा. संदीप जब
स्क्रीन पे आता है या कैमरा के पीछे होता है या कैमरा के आगे होता है, दोनों ही बहुत ही खूबसूरती से बात है। और तौफीक भाई के बारे में तो क्या कहूँ, ये बहुत ही खूबसूरत तारा उस ज़माने में एल्बम जो है वो इतना हम लोग के लिए क्रेजी था क्योंकि हम लोग सब तारा से जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि उसको ही रीपैकेज करके जो है बहुत ही खूबसूरती से आज वीडियो बना है। और मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ और जी को भी मुबारकबाद देता हूँ और आप सबसे गुजारिश है कि इसको खूब आप वायरल करें क्योंकि ये हमारा संगीत है, ये हमारी संस्कृति है और इसको बचाना जो है वो हमारा फ़र्ज़ है, वरना चार बोतल गुड़का और काम मेरा रोज़ का वो तो चल ही रहा है। ऐसे माहौल में इस तरह का गाना बजाना और उसमें भी कमर्शियल एलिमेंट डालना, इसके सामने कोई टिक नहीं सकता। लेकिन ये है कि ये जितना दिखेगा, जितना आप लोग इसको फैलाएंगे, उतना ही ये ज़्यादा आने वाली जनरेशन जो है वो इसको फॉलो करेगी। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ तौफीक भाई, संदीप भाई। मैं चाहूँगा कि क्योंकि ये मुग्धा के लिए बना है और कोशिश हमने सोची और एग्जीक्यूट हुआ, तो मुग्धा भी दो शब्द कहें। फर्स्टली आई वुड थैंक माय गुरु। एक्चुअली सेइंग दिस वर्ड थैंक यू इज अ वेरी स्मॉल वर्ड और इट डजंट हैव एनी मीनिंग टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हिम। फर्स्टली ही गेव मी द चांस व्हेन वी डिड अभिमन्यु द फास्टेस्ट फीट, इट वाज अ म्यूजिकल ब्रॉडवे, सो दैट वाज माय फर्स्ट चांस एज अ लीड एक्ट्रेस ऑन स्टेज। इट वाज माय एम ऑफ माय गुरु दैट टू शो वेरिएंट कलर्स ऑफ अ डांसर, जैसे कि मतलब जितना डांसर जितनी खूबसूरती से अपनी कला स्टेज पर प्रस्तुत कर सकता है उतनी ही खूबसूरती से वो कैमरा के सामने भी कर सकता है, और उसके लिए ही हैज़ वर्कड अ लॉट ऑन मी। सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर हिम एंड रियली थैंकफुल टू द ऑलमाइटी दैट ही हैज़ गिवन मी हिम एज माई गुरु एंड ऑब्वियसली माई मॉम हु हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी। थैंक यू। बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं, संध्या पुरेचा जी वन ऑफ द फाइनेस्ट डांसर ऑफ आर फील्ड इन भरतनाट्यम। थैंक्स फॉर कमिंग संध्या जी, थैंक यू सो मच। राजीव जी आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो सबको नमस्कार, और इतना खूबसूरत कह चुके हैं, कहने से ज़्यादा बेहतर ये कि जो देख रहे हैं हम और जो सुन रहे हैं उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसी को सुने और इसी को देखें और इसी ताल और लय में रहें, इससे ज़्यादा कुछ कहने जैसा कुछ है नहीं। आई विश देम ऑल द बेस्ट, बहुत ही खूबसूरत और बहुत लाजवाब, और ऐसा छोटा भाई सबको दे जो अच्छा काम करे। That's a blessing. I wish them all the best. एक नाम मैं जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि सारे यार दोस्त फ्रेंड्स जो जुड़े रहे, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से कुछ कुछ काम, एक वीडियो डायरेक्ट करना, ऊपर से नाचना, इट्स नॉट दैट ईजी, बट ये सारा जो कॉम्बिनेशन कलर्स टोन्स और ये सब एंगल्स जो मेरे साथ सजाए हैं, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज द वन ऑफ द फाइनेस्ट डीओपी ऑफ आर कंट्री समीर आर्या। सो ही हैज डन दिस, ही शूटिंग टुडे फॉर अ वेरी बिग फिल्म, सो ही कुड नॉट मेक इट, बट समीर भाई आई मिस यू। ऑफ कोर्स इट वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल विदाउट यू, माय एंटायर प्रोडक्शन हाउस रुशाली, ऑफ कोर्स बहुत सारे नाम जुड़े रहे। और फिर से मैं कहना चाहूँगा कि तौफीक भाई अगर आज की सभा को एक समापन दे, क्योंकि हम जाने से पहले एक बार गाना और देखेंगे। तौफीक भाई प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू। आप सबको मेरा आदाब नमस्कार, एंड आई एम सो हैप्पी टू बी अमंगस्ट यू टुडे। इतना खूबसूरत कार्यक्रम, हमारा संगीत ऐसा है कि उसमें कुछ भी समा जाता है। हमारा संगीत ऐसा है कि उसमें आप अमेरिकन म्यूजिक हो, कैनेडियन म्यूजिक हो, अफ्रीकन म्यूजिक हो, हम उसको एम्बाइब करके कुछ उसको नए ढंग से पेश कर सकते हैं। और जिस ढंग से संदीप बाबू ने और मुग्धा जी ने और आपकी टीम ने और तौफीक भाई ने जो सपोर्ट किया है, जो कार्यक्रम पेश किया है, तो इससे ऊपर अभी तो मैं नहीं देख सक रहा हूँ कुछ। एकदम 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 फैंटेस्टिक, आउटस्टैंडिंग। एंड मेरी दुआएँ हैं कि इसको हम तानपुरे वाले भी, सुरमंडल वाले भी सुन के धड़कड़ धा ये भी मजा लेंगे, और ड्रम्स वाले और हॉलीवुड वाले भी जिसको सुन के बहुत खुश होंगे। सो कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम, कीप गोइंग। क्या मुझे लास्ट में नहीं, मैं क्योंकि मीडिया आपसे आई थिंक रूबरू होना चाहिए। रूबरू
तो इनके एल्बम का नाम है अपने शो का नाम है, करेक्ट है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, और संदीप ये एफर्ट तुम्हारी बहुत कामयाब रही है, और बहुत मैं तो था वहाँ, मैं देख रहा था, मतलब रिकॉर्डिंग में भी और शूटिंग में भी बहुत मेहनत किया है इसने, हम सबका छोटा भाई है, लेकिन वो क्या है कि पीछे भी पड़ जाता है बहुत, और बहुत बुरी तरह पीछे पड़ जाता है लेकिन उसका रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं, आप सब लोगों का आशीर्वाद इस वीडियो को मिला है, और सबका और लोगों का मिले। थैंक यू रूप भाई, सोनाली जी, राजीव जी, एंड सर आपकी ये मसल्स का राज क्या है? They're beautiful. Thank you, and Mugda, for all the best to you, Dinesh bhai. Thank you to all of you. मैं चाहूंगा कि मीडिया जो भी प्लीज इंटरव्यूज या जो भी करना चाहे करे, फिर हम एक बार गाना फिर से देखेंगे, और फिर आप लोगों को हम लोग तो चाय नाश्ता करा के अलविदा कहेंगे, और फिर YouTube पे ये गाना देखते रहेंगे। थैंक यू। अरे उमेश भाई कर देंगे भाई। थैंक यू। चलो ठीक है। अच्छा हो गया। करेक्ट। अच्छा एक निकाल दिया तुमने। जो तुम्हारा कभी तो हम लोग यहाँ पर है ना, जाने वाला मौका ले लो जिस हिसाब से। इस वीडियो की ये तारीफ है, ये जो वीडियो बना है ताधा का, संदीप महावीर जी जो इसके डायरेक्टर है, एक्टर है, और इसके सुर जो है वो सजाए हैं तौफीक कुरैशी साहब ने। तो आज के ज़माने के लिए ये बहुत माने रखता है ऐसा वीडियो, जो हमारे यूथ में अगर इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो तो हमारी जो कल्चरल, हमारी जो सभ्यता है, क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूज़िक, इसको ज़िंदा रखने के लिए और इसको यूथ तक पहुंचाने के लिए मुझे लगता है ये वीडियो बहुत काम करेगा, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ संदीप महावीर जी को कि जिन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लाया है, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट और पुराना म्यूज़िक। ये तो बहुत ही पॉपुलर गाना है उनका, तौफीक भाई का, और आज से कई साल पहले उन्होंने रिलीज़ किया था, और अब जो है उसका वीडियो बना करके उसको मार्केट में फिर से रीलॉन्च किया है, तो डेफिनेटली म्यूजिशियन में तो बहुत सबको पसंद आएगा ही, लेकिन उनके अलावा जो लोग कमर्शियल म्यूज़िक पसंद करते हैं उनको भी कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी। नहीं, वो भी वो अपनी जगह ठीक है, मैं भी कभी कभी सुनता हूँ, लेकिन क्या होता है कि जब सिर्फ मीडिया पर इसी तरह के गाने बजते हैं तो आने वाली जनरेशन को पता नहीं कि हमारे पास ये संगीत भी है। नहीं, जो जो उनको दिखा रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं। अब क्या है कि आप एक गाना कोई 20 बार आप दिन में सुनते हैं तो 21वीं बार आप भी गुनगुनाने लगते हैं, तो ये तो ऐसा है कि जितना प्रमोशन होगा उतना ये लोग सब भी पसंद करेंगे। आज संजय भंसाली जी की फिल्मों में आप देखते हैं जो म्यूज़िक होता है, जो कॉस्ट्यूम होता है, जो डांस होता है, वो बिल्कुल इसी तरह का है जो हमारी संस्कृति को पकड़ के चलता है, तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी कोशिश है और मैं मुबारकबाद देता हूँ सबको। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे गाने आज भी आ रहे हैं, और प्रसून जोशी जी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और अमिताभ भट्टाचार्य बहुत अच्छा लिख रहा है, मनोज मुंतशिर बहुत अच्छा लिख रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये जिस हिसाब के फिल्में बन रही हैं उस हिसाब का संगीत होता है। अगर फिल्में आज का मॉडर्न युग का है तो गाना भी उसमें फिर मॉडर्न होगा, और हर तरह का संगीत जो है उस ज़माने में भी था और आज के ज़माने में भी। थैंक यू। यार क्लासिकल म्यूज़िक हमारे म्यूज़िक की रीढ़ की हड्डी है, और संदीप महावीर ने बहुत ही अच्छी तरीके से, और तौफीक भाई ने जो कॉम्बिनेशन है और जो म्यूज़िक वीडियो को डायरेक्ट किया है बहुत अच्छे से, उसमें जो डांस है इट्स समथिंग न्यू, बहुत नयापन है और बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा, लोगों को अच्छा लगेगा। यार क्लासिकल डांस ऐसा है कि मेरे ख्याल से संदीप के अलावा अभी कोई क्लासिकल डांसर है भी नहीं, और संदीप इज़ बेस्ट, आई थिंक सो, बहुत अच्छा किया उसने। आप
और जो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था कि कॉन्सेप्ट में दो स्टैचूज है और वो एकदम स्टैचू जैसे लग भी रहे और सडनली वो लड़की आती है एंड देन वो स्टैचू उसको सिखाता है, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी, डांस बहुत अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, लड़की जो मुग्धा नहीं है उसने भी बहुत अच्छा डांस किया है, मतलब क्लासिकल डांस इज वेरी टफ यार, बहुत टफ है। अभी मेरा एक म्यूजिक वीडियो आ रहा है जिसको मैंने डायरेक्ट भी किया हूँ, प्रोड्यूस भी किया हूँ, और मेरी उसके उसका नाम है वजह जीने की, और राहुल उसका सिंगर है, बहुत ही अच्छा सिंगर है, नया सिंगर लॉन्च हो रहा है, और मेरी फिल्म आ रही है लकीर का फ़कीर पार्ट टू, तो उसको मैं प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ, और डायरेक्टर सेम है ज़ुबैर खान, और मेरा और ज़ुबैर का पैचअप भी हो गया है क्योंकि उसकी भी अम्मी का इंतकाल हो गया है, और फिर वो मेरे पास आया भी, और डायरेक्टर तो वो अच्छा लगता है मुझे, और एक जो पुरानी टीम होती है, एक लड़ाई झगड़ों को भूल के आपस में मोहब्बत रख के काम करना ही अच्छी बात है, तो हम लोग एक और कोशिश कर रहे हैं अच्छी, और जावेद और विकी दोनों हमारे साथ वापस है, हमारी पूरी टीम एक साथ है, वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वी आर डूइंग समथिंग गुड। यार फिल्म देखी मैंने, लेकिन मैंने उसको साइड आर्ट से कंपेयर किया, तो मुझे वो दोनों ना, देखो यार मैं ये कह रहा हूँ कि दे आर ऑल्सो गुड, बट ये दोनों एक अमीर माँ बाप के बच्चे हैं, उस स्टोरी के अंदर जो वो दो साइड आर्ट में जो डायरेक्टर ने दो लोगों को लिया था, वो गरीब, उनकी जो फीलिंग्स, वो लड़की की जो परफॉर्मेंस, वो लड़के की जो परफॉर्मेंस, मतलब उनकी केमिस्ट्री अमेजिंग, ये दोनों बुरे नहीं है, फिर मुझे मतलब बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे और अच्छाइयों ने मेरी मुझे बदनाम कर दिया, ऐसा नहीं है, ये दोनों भी बहुत अच्छे हैं, बट वो दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे। नहीं क्योंकि देखो अब तुमने मुझे पूछा है तो फिर मैं सच ही बोलूँगा यार, अब मैं यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलने वाला, मैं ये नहीं कह रहा उन दोनों की परफॉर्मेंस बुरी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, दोनों बच्चे अच्छे हैं, लेकिन वो दोनों बच्चे मुझे ज़्यादा अच्छे लगे, साइड आर्ट मैंने देखी, मैंने ये भी देखी, तो बस यही है कि वो अमिताभ बच्चन है या अभिषेक बच्चन है। भाई शायरी में उसको खत्म करूंगा कि सियासत मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं, पर ये नफरत भरा चलन मुझे अच्छा नहीं लगता, और भले ही वो हजारों बार गंगा में नहाया होगा, उसके हाथ में मेरा वतन मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा लक्ष्य हमेशा यही रहा है कि मैं मेरे नृत्य को जो मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पर क्लासिकल और लाइट म्यूज़िक होते आया, हमारे पिताजी से, मेरे गुरु मधुरिता जी के टाइम से, रचना आंटी के टाइम से हम लोग सीखते रहे हैं, तो मेरी हमेशा कोशिश ये है कि लोग कहते हैं कि क्लासिकल, अरे नहीं भाई, तो उसको आज के दौर से पैकेज करके कर रहा हूँ, और आपको यकीनन आप सारे मीडिया इतनी प्यार से देखा है आपने वीडियो भी और सब समझ रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट मेरी कोशिश हमेशा है कि गानों को लेकर आप कुछ ऐसा करें कि एक मैसेज पहुँचे। अब इस गाने का मैं आपको मतलब बताता हूँ कि तौफीक भाई के गाने की एक लाइन है कि तुम समझ गए ना, और ताल और बीट क्या है, हर इंसान जो पहले पैदा होता है उसकी हार्ट बीट ही नज़र आती है, तो ऊपर वाला भगवान भी पहले आपको लय देता है और ताल देता है, तो सोनियोग्राफी जब होती है तो पहले हार्ट बीट आती है और कुछ नहीं आता, तो क्या आया, ताल आया, तो ताल जब आता है और ताल के साथ भाव, एक ताल है ढक 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 ढक, और उस ढक ढक के साथ में एक ग्रेस आ गया और भाव नृत्य जुड़ गया, तो मेरा और तौफीक भाई का जो मिलाप है वो ताल और नृत्य भाव एक्सप्रेशन का है, एक्सप्रेशन के बगैर कुछ भी नहीं है, तो मेरी कोशिश ये है कि आम जनता, हिंदुस्तान, ये इंटरव्यू हिंदुस्तान में हो रहा है, हम हिंदुस्तानी हैं और हम उस कला से और कल्चर से जुड़े हैं, कि ऐसी कोशिशें नहीं करेंगे तो मॉडर्निज्म तो चल ही रहा है और अलग अलग चीज़ें हो रही है वो होती रहनी चाहिए, पर हम लोग जो हमारे बुजुर्गों के पैर छूना भूल गए हैं वो याद दिलाने की कोशिश है, और समझ गए ना, आपने देखा कि हमने एक साइन किया, हम ये समझा रहे हैं कि अगर आप ताल और लय में हैं, एक प्रिंसिपल में हैं, तो ना युद्ध होंगे, ना लड़ाई होंगी, ना बलात्कार होंगे, ना बॉर्डर खींचे जाएंगे, अगर हम सब ताल में हैं, और जहां बेताले होंगे तो सारी बेताली बातें होंगी, बेताले काम होंगे,
और यही सोच लेकर मैं तौफीक भाई के पास गया, और तौफीक भाई के पास गया तो इनका हमारा परिवार एक ही है, हमेशा हमने बहुत जुड़ के काम किया, साथ काम किया, और तौफीक भाई का आशीर्वाद मिलता रहा। और तौफीक भाई का एक गाना ये पॉपुलर था ही, तो मैंने कहा कि तौफीक भाई ये गाने पे मुझे कुछ करना है, तो तौफीक भाई की सोच और हमारी मिली। और तौफीक भाई बताएं कि ये नहीं, ये बात सही है कि लोग आजकल कैसे रहता है ना कि एक इंसान एक लय में चल रहा है तो दूसरा इंसान उसके पास जब आता है तो सोचता है मैं इसकी लय में क्यों जाऊँ, मेरी लय ये है, वहीं पर क्लैश हो जाता है। बिल्कुल। तो जब हम एक दूसरे की लय को समझ लेंगे और समझ के एक दूसरे के साथ लय में चलना शुरू करेंगे तभी कहीं जाके ये जो सब कुछ हो रहा है, जो क्लैशेज हो रहे हैं, जो वॉर्स हो रहे हैं, ये नहीं होंगे, मेरा ये सोचना है। और ये जो ताल में लय से चलना, तुम लय को थामे रखना, कभी ना तुम लय से हटना, तुम समझ गए ना, ये मेरे पिताजी की लाइन है, ये हमें हमेशा कहते थे वो कि देखो ताल में लय से चलो, लय को पकड़े रखो, तुम समझ गए ना, ये उनकी लाइन थी हमेशा, उसी को लेके मैंने ये गाना बनाया। और थैंक्स टू मुग्धा जी के जिनके सपोर्ट से ये वीडियो बना है और आप लोगों के सामने ये वीडियो आया है। हमारा तो परिवार दोनों का जुड़ा हुआ है सालों से, इनके पिताजी हमारे अब्बा जी बहुत ख़ास मित्र थे और कमाल के म्यूजिशियंस दोनों थे। तो वही जो कमाल है, हम लोग कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हम लोगों ने सिर्फ एक पुरानी चीज़ को एक नया रूप देने की कोशिश की है। नया हुआ है कि नहीं ये आप लोग देख करके और सुन करके हमें बताइए। एक्चुअली ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे ये दो लेजेंडरी आर्टिस्ट के साथ काम करने मिल रहा है। पहले तो तौफीक भाई, आई एम रियली थैंकफुल टू यू दैट यू हैव शावर्ड ब्लेसिंग्स अपॉन अस थ्रू दिस सॉन्ग। एंड मेरे गुरुजी के बारे में मैं क्या कहूँ, मैंने बोला है कि थैंक यू इज़ अ वेरी स्मॉल वर्ड टू एक्सप्रेस माई गैटिट्यूड टूवर्ड्स हिम, बिकॉज वॉट एवर ही हैज़ डन फॉर मी, एक स्टेज पर जो आर्टिस्ट होता है वो और कैमरा के सामने उतने ही बेहतरीन एक इंडियन डांसर कर सकता है, ये दिखाने के लिए द वे ही हैज़ वर्कड अपॉन मी, इट्स रियली कमेंडेबल, आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि म्यूजिक म्यूजिक है, सब तरह का म्यूजिक करें, पर हमारा एक दायरा है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हमारे अगर रूट्स को भूल जाएंगे, अगर हमारी पहचान भूल जाएंगे, ये तो मतलब ये होगा कि आप अपना सरनेम ही भूल गए। हमारा सरनेम है हिंदुस्तान में पैदा होना हमारी वजह, वरना हम कहीं कोई अजीब स्थान में पैदा हुए होते। तो अगर हम उस चीज़ को लेके नहीं चलेंगे और हमारे बच्चों को ये संस्कृति नहीं देंगे, आज मुग्धा मेरी शिष्य है, मुझसे सीखती है, 20 सालों से डांस कर रही है, इनके कहने से मैंने ये वीडियो बनाया और इसने मेहनत की। तो आप कोई भी पुराने बॉलीवुड के आर्टिस्ट को ले लीजिए, वैजयंती बालाजी को ले लीजिए, रागिनी पद्मिनी जी को ले लीजिए, वो सब ट्रेन डांसर्स थे, तो वो जो एक फील था बॉलीवुड का, वो जो मज़ा था, मैंने रेमो के साथ ABCD 1 में काम किया, लास्ट गणपति का गाना, उनको सारों को ट्रेन किया, मेरी वॉइस ओवर है पढ़ंत में, तो मैं बॉलीवुड से जुड़ा हूँ, पर मेरा बॉलीवुड से जुड़ना इसलिए सारे लोग दोस्त यार हैं, वजह यही है कि क्लासिकल म्यूजिक या डांस ये सब चीज़ें प्रमोट हों। आज जैसे तौफीक भाई ने एक इंस्ट्रूमेंट जैम्बे जिसे कहते हैं, आपने जो साउंड सुना और आपने जो प्लेइंग की शॉट्स देखे, जेम्बे अफ्रीका से है, अफ्रीका का अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट, उस पर मैं मेरे पिताजी से जो मैंने सीखा हुआ है नॉलेज, यू नो द तबला नॉलेज, उसको मैं उस पर उतार रहा हूँ, कोशिश है मेरी, और वही हमने किया है कि बोलों को तबले के बजाय जेम्बे पे बजाया जाए, जो भी बोल है तो वही उसकी खूबसूरती की, ये नाच रहे हैं दोनों और मैं जेम्बे पे इनको अकंपनी कर रहा हूँ। तो क्या है कि जैसे इसने कहा कि वी शुड नॉट फॉरगेट आवर रूट्स, हमारे रूट्स रख के हम जो भी नया करना चाहे लेकिन हमें अपने रूट्स को पकड़ के रखना चाहिए। मैं मीडिया से और हिंदुस्तान से और सारे लोगों से एक ही गुजारिश बार बार करते आया हूँ और करता रहूँगा कि इसकी तरफ भी तवज्जो करें, देखें, आप लोग अगर नहीं पहुंचाएं, क्योंकि हमारा माध्यम क्या, हमने हमारा काम कर दिया, डांस भी कर दिया, वीडियो भी बना दिया, रिलीज भी कर दिया, आप लोगों के माध्यम से हम दुनिया तक पहुंचते हैं। मैंने बहुत सारे रियलिटी शो जज किए जिसपे क्लासिकल डांसर होके आना और वो करना, रॉ स्टार किया, XYZ, बहुत सारे ऐसे शोज मैंने जाके कोरियोग्राफी की, चैनल्स की ओपनिंग करता हूँ, पर मेरा लक्ष्य यही है कि क्लासिकल डांस फॉर्म्स हिंदुस्तान की जो परंपरा है वो आगे बढ़े, वरना यकीन करिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी सब कुछ भूल जाएंगे, उनको ये पता नहीं होगा कि भीमसेन जोशी जी कौन थे, रविशंकर जी कौन थे,
उस्ताद लवरखा साहब कौन थे, के मावरी जी हमारे फादर कौन थे, मेरे गुरु मधुरिता जी कौन थी जिन्होंने सिखाया, इंडस्ट्री में सब कुछ हुआ। तो आप लोग इस वीडियो को जगह जगह पहुँचाए, आप लोगों से फिर से गुजारिश यही रहेगी कि हम लोगों की मेहनत, क्योंकि एक चीज़ बनाने में बहुत मेहनत जाती है, बहुत सारा कष्ट होता है, सो प्लीज़ कीप ब्लेसिंग। आई लव द ऑडियंस इज ऑलवेज, आपका प्यार मिलता रहा है, पर अब भूख ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि हम भी काम देखें ना, अब मूवी कैमराज पे शूट कर रहे हैं, डांस को, क्लासिकल को, फिल्मी भी लग रहा था ना कि कोई फिल्म देख रहे हैं आप, तो हमने गाना भी उसी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि बेस्ट DOP समीर आर्या, बेस्ट प्रोडक्शन AMS कंपनी ने इसको प्रेजेंट किया। सो आप आशीर्वाद देते रहें और हम लोगों की ये कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए बार बार आते रहेंगे और हम लोग आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाते रहेंगे। बस आप लोगों से गुजारिश है कि जैसे समीर ने कहा है कि इसको जितना आप लोग फैलाएंगे उतना ही ये संगीत फैलेगा और लोगों में जाएगा और लोगों को ये याद रहेगा कि ये संगीत भी हमारा है और इसे हमें भूलना नहीं चाहिए। थैंक यू मीडिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल ऑफ यू।